तहसील पुलिस स्टेशन की हद में नकली सोने के सिक्के बेचकर 1.5 लाख रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने फरियादी के सोने के सिक्के वर्धा में खुदाई में मिलने की बात बताकर झांसा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कलमना परिसर में रहने वाले फिरियादी राजू वर्मा को आरोपी दादाराव पवार ने पहचान बढ़ाकर उसके पत्नी को वर्धा में खुदाई के दरमियान सोने के सिक्के मिलने की बात बताई। यह सिक्के बेचने हैं कहकर कोई खरीदार देखने को कहा। इस दरमियान उसने 4 सोने के सिक्के उसे दिखाए। वह सिक्के सुनार के पास दिखाने पर सिक्के असली होने की बात बताई गई। उसके बाद आरोपी दादाराव पवार, राहुल पवार, किशोर पवार ने राजू को सोने का लालच देकर उससे 1.5 लाख में सोना देने की बात बताई। इस दरमियान फिरियादी राजू ने 1.5 लाख देकर नकली सोने के करीब आधा किलो सोने के सिक्के ले लिए। इन सिक्कों की जांच करने पर पता चला कि यह सोने के सिक्के नकली है, जिसके बाद फिरियादी ने तहसील पुलिस स्टेशन जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। दिनांक 4 फरवरी 2024 को शाम में फिरियादी कंप्लेनेंट जो है राजू रामाधीर वर्मा, उसका रहना कलमना है, उसने आके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दी कि उसके साथ चीटिंग हुई है। उसको सोने की कॉइन बोल के पीतल की कॉइन देके उसके पास से 1.5 लाख रुपए रकम लेके अपराधियों ने उसके साथ चीटिंग की है। ऐसी रिपोर्ट देने पे तुरंत FIR दर्ज की गई और आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन में हमारी DB पार्टी ने टेक्निकल एविडेंस और इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसमें जो है अपराधी जो है वो निष्पन्न किए और आगे की इन्वेस्टिगेशन में अपराधियों को बडनेरा अमरावती ज़िला से अरेस्ट किया गया और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन 3 अपराधियों के पास से 1,05,000 रुपये रोक रकम और आरोपी ने जो क्राइम करने के लिए ये मोबाइल यूज़ किए थे वो मोबाइल ऐसे 1,22,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। इनमें इस क्राइम में 3 आरोपी अपराधी अरेस्ट किए गए। आरोपियों के नाम है दादाराव सीताराम पवार, राहुल दादाराव पवार, ईश्वर अण्णा पवार। तीनों का रहना है खामगांव, जिला बुलढाणा। इनकी ये मोडस ही है कि ये जो जाते हैं और ऐसे विक्टिम को वो देख लेते हैं। ये क्राइम होने से पहले या इसमें जो फिरियादी है उसका जो इडली सांभर का ठेला है, इसमें से जो मेन आरोपी है दादाराव पवार, उसके ठेले पे 4-5 दिन कंटिन्यू नाश्ता करने के लिए जाता था। तब उसने उसको बताया कि मेरी बेटी के यहाँ पे खुदाई के टाइम सोने के सिक्के मिले हैं और मुझे बेचना है और आधा किलो सोना है तो मैं 1.5 लाख में बेचना चाहता हूँ, ऐसा बोल के उसने फिरियादी को जो है 3 ओरिजिनल सिक्के दिए दिखाए थे। फिरियादी ने वो चेक किए सोनार के पास से और जब वो उसकी ये हो गई, उसको ये श्योरिटी हो गई कि ये सोने के हैं, तब उसने उसको 1.5 लाख रुपए देने का फिक्स किया था। तब आरोपियों ने जो है उसको गार्डलाइन मोमिनपुरा के पास बुलाया और वहाँ पे वो डुप्लीकेट जो है कॉइन उसको दिए और उससे 1.5 लाख रुपए लेके फरार हुए थे। और इसमें जो आरोपी अरेस्ट किए गए हैं उन पे इसके पहले की भी महाराष्ट्र के अलग अलग पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज है और इसके पहले भी वो अरेस्ट हुए हैं। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में जो है ऐसे इनोसेंट जिनको जानकारी नहीं है वैसे ही आरोपी इनकी चपेट में आए हुए, कोई सोनार जो है अब तक इनकी चपेट में आया हुआ है, ऐसे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। पकड़े गए जो आरोपी है उनका कोई काम धंधा वैसे वो करते नहीं है, उनकी यही मोडस है। वो हर जगह अलग अलग शहरों में जाके ऐसे विक्टिम ढूंढते हैं और उनके साथ चीटिंग करते हैं। उनका नेटिव बेसिकली खामगांव बुलढाणा यहाँ से है, लेकिन जब हमको आरोपी हमने आइडेंटिफाई किए तब उनका लोकेशन जो है वो बडनेरा नई बस्ती यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ था, तो हमने उनको वहाँ से कस्टडी में लिया है। इन मामलों पर कई बार जन जागृति की जाती है, सोना अधिकृत विक्रेताओं से खरीदे, मगर अक्सर लोग कम कीमत में सोना खरीदने के लालच में आ जाते हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।